इनकलाब जिंदाबाद 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 मालो एसपीएम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कार को इतने बल्क में जब लोगों की मौत हो रही है तो इसको एक दुर्घटना समझना चाहिए। शुरुआत दिन से भाकपा माले ने कहा है कि जो जहरीली शराब से जो मौतें हुई हैं, एक तो शराबबंदी कानून में इसका प्रावधान है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है। अंतिम दिन भी जहरीली शराब की मौत को लेकर जो है हंगामा देखने को मिल रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि माले के तमाम विधायक जो है आज वो हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं और मृतक के परिवारों को मुआवजा देने की बात कह रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि लगातार बीजेपी के सुर और माले के सुर एक जैसे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार जो है जहरीली शराब की मौत, और संदीप सौरभ जी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं। संदीप जी, आपके सुर और बीजेपी के सुर एक जैसे दिख रहे हैं क्योंकि जहरीली शराब पर आप मुआवजा मांग रहे हैं, आप सरकार के सहयोगी पार्टी हैं। देखिए, बीजेपी का ये सुर नहीं है। बीजेपी का तो सुर है कि वो मध्य प्रदेश में चीज़ों को ढक ले रहा है। हजारों की संख्या में वहाँ मौतें हुई हैं, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में इतनी मौतें हुई, तो बीजेपी तो सब जगह सेलेक्टिवली बोलता है। शुरुआत दिन से भाकपा माले ने कहा है कि जो जहरीली शराब से जो मौतें हुई हैं, एक तो शराबबंदी कानून में इसका प्रावधान है, दूसरी बात हम लोग कह रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में जब मौत हुई तो कहीं ना कहीं आपका सिस्टम का विफलता है। आपने कानून तो बना दिया कि शराबबंदी होना है, लेकिन आप उस कानून को ठीक से लागू नहीं करवा पा रहे हैं, तभी तो एक जगह पर इतने लोगों ने शराब पी ली। तो ऐसे में सिस्टम की विफलता का जो खामियाजा है वो मृतकों के परिजनों को न मिले, क्योंकि जिन्होंने गलती की वो तो जा चुके हैं, लेकिन जो उनके बाल बच्चे हैं, जो परिवार के बाकी लोग हैं, उनको सरकार की तरफ से एक संवेदनशीलता, एक कट सी दिखाना चाहिए। और इसलिए हमारी पार्टी आज समूचे बिहार में सड़क पर उतर के हम लोग तो कह रहे हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा तो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि बम बनाने वाले को आप मुआवजा देने की बात कर रहे हैं। नहीं, बम बनाने की बात नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि हेलमेट पहन करके सड़क पर चलना ज़रूरी है, वो कानून है, तो बिना हेलमेट का चलना तो गलत है, कानून का उल्लंघन है। लेकिन ऐसे में अगर किसी की दुर्घटना से मौत होती है तो सरकार तो मुआवजा देती है। ये तो नहीं कहती कि भाई आपने हेलमेट पहना ही नहीं, जो हेलमेट नहीं पहनेगा वो मारा जाएगा, हम इसका प्रचार करेंगे कि देखो ये हेलमेट नहीं पहना और इसलिए मरा गया, ये तो आप सरकार नहीं कहती है। तो ये दुर्घटना मतलब एक दो लोगों की बात नहीं है, आज 80 से ज़्यादा लोग हो गए हैं बिहार में। तो सरकार को इतने बल्क में जब लोगों की मौत हो रही है तो इसको एक दुर्घटना समझना चाहिए और वहाँ मुआवजा देना चाहिए। क्या इसके लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात? निश्चित तौर से हम लोग मुख्यमंत्री से बात करेंगे। हमने सदन के अंदर भी कहा है, हम लोग रोड पर उतर के कह रहे हैं, तो हम लोग तो मुख्यमंत्री महोदय से कहेंगे ही बात कि आप मैंने उनके परिवारों को देखिए, जिन्होंने गलती की वो तो जा चुके हैं, उनके परिजनों को देखा जाए। और सरकार को इस तरह का लैंग्वेज नहीं बोलना चाहिए, जो पिएगा वो मरेगा, हम उसका प्रचार करेंगे, दिखाएंगे लोगों को, ये तो हमारे लिए अच्छी बात, ये सब ठीक नहीं लगता है। तो देखिए, साफ तौर से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी के सुर और माले के सुर जो है जहरीली शराब पर एक जैसे मिलते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जहरीली शराब से हुए मौत के आंकड़े में लगातार बढ़ोतरी हो रहे हैं और 80 के तक पहुंच चुके हैं ये आंकड़ा। और आज शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन है और अंतिम दिन भी हंगामा देखा जा रहा है और माले के तमाम विधायकों ने मांग की है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और इसको लेकर हम सदन में भी बातों को उठाएंगे, क्योंकि जहरीली शराब से पीने वाले मर चुके हैं लेकिन उनके परिवार का क्या दोष है। वही उन्होंने उदाहरण भी दिया कि अगर सड़क पर चलते हुए हेलमेट पहनना अनिवार्य है लेकिन उसके बावजूद भी लोग हेलमेट नहीं पहनते और रोड एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो जाती है, फिर भी उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाता है। उसी तरीके से जहरीली शराब में भी लोगों को मुआवजा दिया जाए, क्योंकि उनके परिवार बिखर चुके हैं और सरकार से ये मांग को लेकर लगातार सदन में आवाज़ें उठ रही है। और सदन की आज शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन भी हंगामा जहरीली शराब के मामले को लेकर गूंजता हुआ नजर आ रहा है। अपने सहयोगी अमित के साथ बने रहे देश न्यूज़ के लिए और देखते रहे देश न्यूज़।